भारती डीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक था विद्यालय ज्ञान। मैंने आपको कल जो बताया कि विद्यालय ज्ञान अर्थात विद्यालय क्या होता है, मैंने विद्यालय के आपको विद्यालय का अर्थ बताया कि विद्यालय हमारा स्कूले शब्द जो कि यूनानी शब्द से लिया हुआ है, यूनानी शब्द का रूप है जिसे हमने स्कूल नाम दिया है और स्कूल का अर्थ है अवकाश। स्कूल का अर्थ है अवकाश। यूनानी शब्द में स्कूले शब्द जो था ना उसका अर्थ था अवकाश यानी कि रिलैक्स। हम आज अवकाश का प्रयोग हमारे रिलैक्स में लेते हैं। फिर मैंने आपको जो बताई कि स्कूल का जो था स्कूल स्कूली ज्ञान अर्थात विद्यालय ज्ञान किन प्रकृति के आधार पर कार्य किया था, सैद्धांतिक आधार पर, मूर्त अमूर्त ज्ञान के आधार पर, यानी कि जो हमें सिद्धांत में रहते हुए हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम एक नियम से बंधे हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारे विद्यालय ज्ञान की श्रेणी में आता है। और जो ज्ञान हम अमूर्त और मूर्त रूप से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हमें विद्यालय से प्राप्त होता है। इसमें मैंने आपको महत्व बताए थे कि इसका महत्व आखिरकार है क्या, तो स्कूल का महत्व हमारे जीवन में क्यों होता है, क्योंकि जो भी हम परिवार जब तक हम परिवार में रहते हैं तो हम एक परिवार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन परिवार से बाहर आकर जब हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हम विद्यालय में संपूर्ण ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। अर्थात हमें जो ज्ञान दूसरों से एक दूसरों के साथ सामंजस्य दिखाना, एक कहते हैं कि विद्यालय में एक शिक्षक अनुभवी शिक्षक के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। फिर मैंने जो आपको बताया कि विद्यालय ज्ञान हमारा विद्यालय ज्ञान के कार्य बताए मैंने कि कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको मानवीय गुणों का विकास, हमारे जो नागरिकता का विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, देशभक्ति की भावना का विकास, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना, ये सब हमारे विद्यालय के कार्य होते हैं। इनके द्वारा हम हमारे विद्यालय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमारा विद्यालय ज्ञान प्राप्त करते करने का एक एम होता है। हम कहते हैं कि जब तक हम घर में रहते हैं क्या हम वो प्रमाणित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक तरह से हमें संस्था में प्रवेश मिलने के बाद में जो प्रमाणित ज्ञान मिलता है वो हमें विद्यालय के माध्यम से मिलता है। इसीलिए हम कहें तो विद्यालय ज्ञान को हम सैद्धांतिक ज्ञान की श्रेणी में लेते हैं और ये हमारे एक नियम और कायदे से जुड़ी हुई होते कहते हैं। जब भी हम ये विद्यालय ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका हमें एक प्रमाण हमारे हमें प्राप्त होता है। तो ये हम देखें तो एक तरह से हमारी प्रमाणित शिक्षा होती है कि हमने क्या प्रमाणित किया है, हमने कितनी शिक्षा ली है, कहाँ तक हमने शिक्षा ली है। तो जो हम विद्यालय औपचारिक ज्ञान की श्रेणी में आता है वो हमारा विद्यालय ज्ञान होता है। विद्यालय ज्ञान हमारे औपचारिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है विद्यालय ज्ञान की विशेषताएं कि विद्यालय ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले विद्यालय हमारा जो होता है वही ऐसा वो ऐसे स्थान होता है जहाँ पर हमें एक विशिष्ट अनुभवी शिक्षक के द्वारा हमें वहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है ना कि विशिष्ट जो हमारे यानी कि जहाँ हम योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं। विद्यालय में हम टीचर से पढ़ते हैं, घर पे हमने देखा है हमारे माता पिता हमें पढ़ाते हैं लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। आज तो हम ये भी बच्चे हैं जो आज के टाइम पे हम देखें तो अगर पेरेंट्स कितने भी पढ़े लिखे हैं आज बच्चे ये कहते हैं कि अगर टीचर ने गलत पढ़ाया तो कई बार ये होता है कि बच्चे कहते हैं नहीं हमारे शिक्षक ने तो हमें यही पढ़ाया है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे ये मानते हैं उनकी ये छवि होती है कि शिक्षक हमें जो भी ज्ञान देंगे वो हमारा जो ज्ञान होगा वो हमारे लिए हितकारी होगा और वो ज्ञान हमारा सही होगा। नॉर्मली शब्द में हम देखें तो विशिष्ट यानी कि जो शिक्षा उसी विषय का ज्ञान रखता हो वो हमें वो कहाँ मिल सकते हैं, हमें विद्यालय में। अर्थात अनुभवी प्राप्त जो ज्ञान वो अनुभव करके प्राप्त कर चुके हैं वो शिक्षक वो व्यक्ति हमें ओनली हमारे विद्यालय में प्राप्त होते हैं। तो विद्यालय ज्ञान की सर्वप्रथम जो हमारी विशेषता है वो है विशिष्ट अनुभवी शिक्षक, यानी कि यहाँ हमें विषय विशेषज्ञ शिक्षक मिलते हैं, वो अपनी जो विषय में पारंगत होते हैं और उसी का ज्ञान हमें करवाते हैं और यहाँ देखें कि उन्हें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है ये भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। सेकंड है हमारा सैद्धांतिक ज्ञान, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विद्या
से बंधा हुआ ज्ञान होता है। नियम और जो हमारे विद्यालय में जो हमारे कानून होते हैं, जो नियम बना होता है, उसी से बंधा हुआ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक हम अनुशासन में रहते हैं, एक नियंत्रण में रहते हैं, एक हमारी लिमिटेशन होता है होती है, ये हमारा सैद्धांतिक ज्ञान होता है। साथ में जो हमें जिस समय जो ज्ञान चाहिए होता है, वही ज्ञान हमें यहाँ से प्राप्त होता है। कहें तो हमारी मानसिक योग्यता के अनुसार हमें यहीं से ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम फर्स्ट क्लास में तो हमें फर्स्ट श्रेणी का ज्ञान मिलता है, तो इसके कहते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान है, जो सिद्धांत से नियम सिद्धांत से बना होता है। आगे से जो पाठ्यक्रम होता है, जो हमारे लिए बना होता है, हमारे लिए हितकारी होता है, हमारे लिए कार्यकारी होता है, जो हमारी कक्षाओं से संबंधित, हमारी मानसिक योग्यता से संबंधित, हमारे पाठ्यक्रम से बंधा हुआ, ये सभी हमारे इसके अंदर आते हैं कि जो हमारे आगे से हमारे लिए लागू होता है हमारे सिद्धांत में, वो उस तरीके का हमारा पाठ्यक्रम होता है। तो कहते हैं कि विद्यालय ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान होता है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है हमारा पाठ्यक्रम व पाठ्य सहभागी क्रियाएं। हमने देखा है कि सैद्धांतिक ज्ञान है, हम देखते भी हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। विद्यालय में हमारा एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, वो पाठ्यक्रम हमारा प्रत्येक विषय का होता है, हम उसी के आधार पर हम हमारी पढ़ाई करते हैं। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम तो है ही, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ हम विद्यालय में पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं भी करते हैं, यानी कि जो हमारी शिक्षा से संबंधित होती है। हम देखते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करते हैं, वो हमारी शारीरिक भी हो सकती है, जैसे कि हम खेलों का आयोजन होता है, हम हमारे विद्यालय में अनेक अनेक जो हमारी कहते हैं कि हमारी अनेक क्रियाएं होती हैं, हम ऐसे कुछ डब्ल्यू कैंप लगाते हैं, या हम कहें कि हमारा कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो ये यानी कि हमारी शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ की जाने वाली क्रियाएं, ये कहाँ पर होती हैं? विद्यालय में होती हैं। हम घर रहकर उन क्रियाओं को नहीं कर सकते। ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से हमारा पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से हमारे पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ हमारी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी साथ साथ चलती है, जो कि हमारी इसी शिक्षा से संबंधित होती है, विद्यालय से संबंधित होती है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है जो हमारी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के साथ साथ चलने वाली क्रियाएं, हमारी पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली एक्टिविटीज, ये हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। हमारा खेल कूद, हमारे एसएबीडब्ल्यू का आयोजन, एनएसएस वाला टूर करना, हमारा ये सब चीजें हमारे, ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हमारा एक हिस्सा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशिष्ट शिक्षण विधियां, यानी कि हम कहते हैं कि हम जो शिक्षण विधियां हमारे काम में ली जाती हैं, वो हमारे एक विद्यालय में ही ली जाती हैं। हम घर पर हमारे लिए एक जो हमारे विद्यालय का स्ट्रक्चर होता है कि हमें किस विधि के द्वारा हमारा पढ़ाया जाता है, ये एक शिक्षक ही कर सकता है, और ये विद्यालय में ही संभव होता है कि हमें आखिरकार पढ़ाना क्या है। कहते हैं कि हम अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो हम प्रैक्टिकल के लिए हमारी लैब में जाते हैं, तो ये लैब कहाँ पर है? विद्यालय में। अगर ये विद्यालय में नहीं, क्या ये लैब हमें घर पर उपलब्ध हो सकती है? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि विशिष्ट जो शिक्षण विधियाँ हैं, हम अनेक जो शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं कि अगर यहाँ बच्चों को यहाँ पर हम विद्यालय में, चाहे हम लेक्चर्स तौर पर पढ़ाएं, हम प्रैक्टिकल पर पढ़ाएं, जो भी हमारे अनेक मेथड होते हैं, विधियाँ होती हैं जो कि बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन विधियों का समावेश विद्यालय में ही संभव होता है। हम विद्यालय में अनेकों शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, हमारे विद्यालय में कैसा गुणतापूर्ण निरंतरपूर्ण विद्यालय वातावरण, यानी कि कहते हैं कि हमारा जो हमारे अंदर सामंजस्यपूर्ण वातावरण, निपुणता नियंत्रणता रहती है। हम विद्यालय में कहते हैं कि कई बार हमने कहा है कि हमारी किसी भी कार्य को करने के लिए वातावरण उत्तरदायी होता है। विद्यालय का वातावरण हमारा जो होता है, वो हमारे शिक्षा का वातावरण होता है, यानी कि हम वहाँ पर एक ही उद्देश्य से आते हैं, हमारी शिक्षा ग्रहण करने का। हम देखते हैं कि हम चाहे कितने भी हमारा वातावरण बनाएं पढ़ाने का, क्या हम विद्यालय से बाहर रहकर पढ़ सकते हैं? नहीं रह सकते। हमारा विद्यालय में आना क्यों अनिवार्य है? वातावरण पैदा करने के लिए, कंटिन्यूटी रखने के लिए। तो कहते हैं कि विद्यालय ज्ञान हमेशा महत्वपूर्ण होता है, निरंतरता
होता है। नेक्स्ट है हमारा उपकरणों का प्रयोग। हम जब विद्यालय में विद्या यूज में लेते हैं, हम जब वहाँ का वातावरण पैदा करते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे उपकरणों का भी प्रयोग करना होता है। हम उनके लिए अपने किन किन संसाधनों का प्रयोग करना है, हम किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम अपने नए नए उपकरणों का प्रयोग करते हैं। आज के टाइम में हम देखें तो नए नए उपकरणों का समावेश हो गया। हम आजकल OHP से हम प्रोजेक्ट हैंड से पढ़ते हैं, या हम देखते हैं कि आजकल जो हम आजकल टेक्निक इतनी बढ़ चुकी है कि इन सभी टेक्निक उपकरणों का प्रयोग हमारे एजुकेशन में होने लगा है। तो ये क्यों होने लगा है और कहाँ पर होता है? ओनली विद्यालय में। इन्हीं विद्यालयों के उपकरणों के द्वारा हम विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि नए उपकरणों से ज्ञान प्राप्त करने का जो हमें प्रयोग मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमारा विद्यालय से ही हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समय अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन। कहते हैं ना कि आवश्यकता होती है तो परिवर्तन या आवश्यकता के अनुसार मनुष्य की इच्छाएं परिवर्तित होती रहती हैं। तो जो भी हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन आता है वो किसके कारण आता है? समय के कारण। और ये समय हमारा कहाँ पर, जब जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है वो हमें केवल जब हम विद्यालय जाएंगे तो हमें विद्यालय से ही प्राप्त होता है। यानी हमारी आवश्यकता क्या है आज के टाइम पे, हमारी आवश्यकता क्या है, हम जिस क्लास में जा रहे हैं उसमें हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है या हमारे आगे की चीज़ें क्या करनी है हमें। तो कहते हैं कि ये हमारे जो समय होता है, इस समय में परिवर्तन जो होता रहता है वो हमें हमारे विद्यालय के माध्यम से प्राप्त होता है। और यही हम अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हैं। समय अनुसार जो परिवर्तन होता है वो हम विद्यालय में ही संभव होता है। वो चीज़ हमें विद्यालय से प्राप्त होती है कि हमारा क्या परिवर्तन हुआ है, क्या हमें किस चीज़ की हमें आवश्यकता है। तो कहा जाता है कि समय अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन ये विद्यालय में ही संभव है, क्योंकि विद्यालय में इसी चीज़ का पता रहता है कि हमें आगे क्या चेंज करना है। जो आज हमारा पाठ्यक्रम परिवर्तित होता रहता है वो इसी अनुसार है कि वो समय की मांग होती है। समय के अनुसार हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मनोवैज्ञानिक विधियाँ। कहा जाता है कि विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो इतने अनुभवी होते हैं, या कहा जाए कि जो विद्यालय के जिले में जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, जो विषय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम बनाते हैं, वो इतने अनुभवी होते हैं कि वो बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझ सकते हैं। तभी तो वो उसकी मानसिक स्थिति, मानसिक योग्यता के अनुसार अपना पाठ्यक्रम बनाते हैं। तो कहते हैं कि विद्यालय ज्ञान में मनोवैज्ञानिक विधियाँ भी सम्मिलित होती हैं। मनोवैज्ञानिक विकास के बिना हम विद्यालय ज्ञान नहीं दे सकते, इसीलिए मनोवैज्ञानिक विधियों का समावेश होता है इसमें, विद्यालय ज्ञान में। विद्यालय ज्ञान में मनोवैज्ञानिक ज्ञान का समावेश होता है। हम अपने जो भी हम मन की कहते हैं मानसिक योग्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है मनोवैज्ञानिक आधार, यानी कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारी मानसिक योग्यता के अनुसार। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो हमारे विद्यार्थियों की मनोस्थिति को जानते हैं, वो इतने विशेषज्ञ इतने अनुभवी होते हैं कि मनोवैज्ञानिक मनोस्थिति को जानते हुए वो विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रामाणिक शिक्षा। हमने देखा है कि जो हमारी विद्यालय शिक्षा होती है वो एक संस्थागत शिक्षा होती है। अगर हम कहीं एडमिशन भी लेने जाएं तो संस्था में सबसे पहले हमारा प्रवेश लिया जाता है, हमारा प्रवेश, वो प्रवेश ही हमारा प्रमाण होता है कि हमने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। हमने देखा है कि जब भी हम अगली क्लास में प्रमोट होते हैं तो उसके लिए हमें प्रमोट होने के लिए हमें हमारी मार्कशीट दी जाती है। तो मार्कशीट क्या है हमारी? प्रामाणिक शिक्षा, यानी कि हमने कौन सी शिक्षा ग्रहण की है, किस कक्षा की शिक्षा ग्रहण की है, ये हमें प्रमाण के तौर पर मिलता है। तो कहते हैं कि विद्यालय शिक्षा है वो एक प्रामाणिक शिक्षा होती है, प्रमाण के आधार पर हमें शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट ये था हमारा विद्यालय ज्ञान। अब आता है हमारा जिसे हम विद्यालय ज्ञान को हम सैद्धांतिक
ज्ञान भी कहते हैं। उसी तरीके से अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यालय के बाहर का ज्ञान। विद्यालय से बाहर का ज्ञान, विद्यालय से बाहर के ज्ञान को हम व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। कहते हैं कि विद्यालय में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, लेकिन हमें उतना व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलता जितना हम विद्यालय से बाहर से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कहते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान जो मिलता है वो हमें ज्यादा विद्यालय से बाहर रहकर मिलता है। हमने देखा है कि जब हम हमारे परिवार में रहते हैं, परिवार में सर्वप्रथम जब बच्चा थोड़ा बोलना भी सीखता है तो उसे इतना एहसास करता है कि बड़ों को हमें क्या करना है, बड़ों को हमें किस सम्मान से बोलना है, या व्यवहारिक ज्ञान दे तो उसे अपने रिश्ते नाते ये बताना रहता है कि ये हमारे दादा हैं, ये हमारी दादी। तो ये हमें व्यवहारिक ज्ञान जो मिलता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे परिवार से, हमारे आस पास के जो पड़ोसी होते हैं उनसे, हमें हमारे समाज से ये सब हमें प्राप्त होता है। अब हम देखें विद्यालय ज्ञान, अगर हम देखें इसको विद्यालय के बाहर का ज्ञान, अर्थात जो हमें विद्यालय से बाहर प्राप्त होता है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, अगर हम इसे सीधे शब्दों में लें तो अप्रमाणिक ज्ञान, अप्रमाणिक ज्ञान। यहाँ इसके लिए हमें कोई प्रमाण नहीं दिया जाता, ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है। इसमें हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सर्वप्रथम ज्ञान घर से मिलने वाला, यानी कि हमें हमारे घर से प्राप्त होता है, घर से प्राप्त ज्ञान। अब यहाँ हमें घर से प्राप्त ज्ञान में, घर से हमें ज्ञान देने वाला कौन है? हमारे परिवार। हमें हमारे परिवार वाले सर्वप्रथम ज्ञान, जो विद्यालय से बाहर का ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमारे घर वालों से मिलता है, अर्थात हमारे परिवार से मिलता है। हमारे परिवार से हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किस तरीके से हमें बड़ों से बोलना है या आदर सम्मान करना है। कहा जाता है कि हमारा जो परिवार होता है वो हमारी प्रथम पाठशाला, जिसमें हमारी माता होती है, हमारी माँ, वो हमारी प्रथम गुरु होती है। कहते हैं कि हमारी माँ हमारी प्रथम शिक्षक होती है, प्रथम शिक्षिका होती है। सर्वप्रथम ज्ञान हमें हमारे परिवार में हमारी माँ के द्वारा प्राप्त होता है। तो पहला ज्ञान होता है हमारे घर से मिलने वाला ज्ञान। अब हम सेकंड देखिए तो हम घर से बाहर जब बच्चा निकलता है तो सर्वप्रथम वो हमारे आसपास में रहने वाले लोगों से मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के लोग, यानी जो हमारे नजदीक में। देखा एक छोटा बच्चा भी जब घर से बाहर निकलता है तो डायरेक्ट विद्यालय नहीं आ रहा है, वो विद्यालय में या किसी समाज में जाके नहीं रहता, उससे पहले वो उसका समाज उसके पड़ोसी होते हैं, अर्थात वो सर्वप्रथम हमारे पड़ोसियों से मिलेगा। तो उससे भी जो प्राप्त होता है, कहते हैं संगति का असर। तो बच्चे जब पड़ोस में मिलते हैं, खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, पास में आस पड़ोस से मिलना जुलना, तो उनसे वो ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे से बाहर क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज हमें सबसे पहले हमारे पड़ोसियों से मिलती है। कहते हैं विद्यालय का जो ज्ञान है वो सर्वप्रथम हमें घर से मिलता है, फिर हमारे पड़ोस से मिलता है, पड़ोस से मिलने के बाद सब तीसरा जो ज्ञान है वो उसके बाद में। कहते हैं कि सबसे पहले घर और घर के बाद में हमारा होता है समाज, घर के बाद में है हमारा समाज, यानी कि सामाजिक ज्ञान, समाज से प्राप्त ज्ञान, समाज से प्राप्त ज्ञान, सामाजिक ज्ञान। आप देखिए सामाजिक ज्ञान में, सामाजिक ज्ञान में हम सबसे पहले हम सामाजिक ज्ञान प्राप्त क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सामाजिक अपेक्षाओं की जानकारी रखनी होती है कि समाज हमसे क्या चाहता है। कहते हैं कि हम जिस समाज में रहता है व्यक्ति, तो उसका समाज के प्रति भी दायित्व होता है। अगर विद्यालय से ज्ञान ले रहा है लेकिन उसे समाज के प्रति, कहते हैं हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे परिवार, सबके प्रति व्यक्ति की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम खुद अच्छे होंगे, अगर हम सभ्य होंगे, तो हम एक सभ्य समाज की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले आता है सामाजिक शिक्षा में, जो हमारी सामाजिक ज्ञान है कि सामाजिक अपेक्षाओं की जानकारी, यानी समाज हमसे क्या अपेक्षा रखता है, वो क्या अपनी इच्छाएं रखता है कि हम उन्हें पूरा करें। वो सबसे पहले हमारी उन अपेक्षाओं को जानेगा, या समाज ये चाहेगा कि जो समाज में रहते हो अच्छे कार्य करें। कि हम ये नहीं जान सकते कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें उस कार्य को पूर्ण करना होता है। यानी हम समाज से अपेक्षा करते हैं कि हमें ये कार्य क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। यानी समाज हमें इन चीज़ों की जरूरत महसूस करवाता है,
कि हमें कार्य कैसे करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा सामाजिक नियम। सामाजिक नियम कहते हैं कि समाज में रहते हुए हमें समाज के नियम को निभाना होता है। और सामाजिक नियम हमारे क्या होते हैं? हमारे सामाजिक नियम है कि हमें जो समाज में हम रह रहे हैं उस समाज का हमें आदर सत्कार करना है, उसे एक अच्छा समाज स्थापित करना है। समाज में व्याप्त जो कहते हैं कि समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं हमें जहाँ तक लगे, तो समाज अगर हमारे लिए जो नियम कानून बनाता है कि हमें इस नियम में रहकर कार्य करना है, तो हमें उन नियमों को, हमारे दायित्वों को निभाना चाहिए। थर्ड है हमारा अवांछनीय व्यवहार। अवांछनीय व्यवहार यानी जो कि अच्छा नहीं होता हमारे समाज में। क्या है अगर इसे सीधे शब्दों में, तो हमारे जो समाज में जो व्याप्त बुराइयाँ हैं उन्हें दूर करना, कि जो बुराइयाँ हमारे समाज में हो रही हैं हमें उनके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। उन अवांछनीय व्यवहारों का हमें पता होना चाहिए कि किसने क्या बुरा व्यवहार किया, उसका प्रतिफल क्या रहा। तो उस अवांछनीय व्यवहार को हम जानेंगे जो हमारे लिए वांछनीय नहीं है, जो हमारे लिए सही नहीं है, हम उसको जानेंगे तभी हम सही और गलत में फर्क कर सकेंगे। अर्थात हमें गलत को छोड़कर हमें सही राह चुननी रहेगी कि हम सही कार्य करें। तो समाज हमें उस अवांछनीय व्यवहार के बारे में बताता है, क्योंकि वो समाज ही होता है, क्योंकि जो सबसे जो बुराई का असर जो हमारा पड़ा है वो समाज से पड़ता है। उस समाज से जो हमारे प्राप्त परिणाम है वो हमें इसकी ज्ञान करवाते हैं कि इस गलत चीज का हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ा, हमारे समाज पर क्या पड़ा। तो ये दुष्प्रभाव जो अवांछनीय व्यवहार है वो हमें हमारी इस चीज की शिक्षा देते हैं कि हमें ये कार्य दोबारा नहीं करना। ये कहता है हमारा सामाजिक कुशलता। हम उस अवांछनीय कार्य को दूर करने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वो कौशल होता है, हमारा हुनर होता है। व्यक्ति ये देखता है कि हम किस माध्यम से, किस कौशल के द्वारा हम इस चीज को दूर कर सकते हैं। तो आज ये मेरा था विद्यालय ज्ञान और विद्यालय से बाहर का ज्ञान। तो यही था हमारा कि विद्यालय ज्ञान हमारा सैद्धांतिक ज्ञान होता है, जो कि हम एक विद्यालय में किसी संस्था में रहते हुए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो हमारा जो था सामाजिक ज्ञान, हमारा व्यवहारिक ज्ञान, जो विद्यालय से बाहर का ज्ञान, वो हम परिवार, आस पड़ोस और हम समाज से प्राप्त करते हैं। यह हमारा कोई प्रमाणिक ज्ञान नहीं होता है। हम समाज में एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, हमें समाज का भी हित चाहने के लिए हम इस व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ते हैं। तो ये सामाजिक ज्ञान भी ऐसा होता है जो हमें कहते हैं कि हम जब ये विद्यालय ज्ञान ग्रहण करते हैं तो इसका भी प्रयोग हम सामाजिक ज्ञान में करते हैं, हम व्यवहारिक ज्ञान में करते हैं। हम अच्छा ज्ञान लेंगे तो हम हमारे समाज के लिए अच्छा करेंगे। तो ये दो ज्ञान थे, विद्यालय